खबरें जो आपको सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। नमस्कार, मैं अंशु और आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज उत्तराखंड। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। आज भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर माननीय प्रधानमंत्री व माननीय मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन रुड़की तहसीलदार को सौंपा। किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ता रुड़की के मंगलोर गुड़ का मंडी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के अनुसार किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने 6 मांग रखी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश है, लेकिन ऊर्जा प्रदेश होने के बावजूद भी किसानों को इस ऊर्जा का कोई लाभ नहीं मिल रहा। किसानों की खेती में सिंचाई के लिए प्रयुक्त की जाने वाली बिजली किसानों को मुफ्त मिलनी चाहिए। किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने कहा कि अब सरकार भरपूर खाद्यान्न की बात करती है तो खाद्यान्न पैदा करने वाले अन्नदाता की अनदेखी क्यों कर रही है। सरकार को विदेशों की तर्ज पर सब्सिडी किसानों को उनके खाते में नकद रूप से दी जाए, बिजली व रेल का निजीकरण ने किया जाए। हाल ही में सरकार ने डीजल व पेट्रोल के बढ़ाए दामों को उन्हें तत्काल वापस लिया जाए। किसान की रुकी हुई गन्ना भुगतान में ब्याज सहित भुगतान कराया जाए, जैसे और भी कई अन्य मांगे ज्ञापन के जरिए की गई। किसानों ने कहा कि सरकार को तत्काल ही चुनाव के दौरान किए गए अपने वायदे पूरे करने चाहिए। सरकार ने वायदे किए थे कि वे किसानों का पूर्ण कर्ज माफ करेगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। सरकार को चाहिए कि वह तत्काल किसानों का कर्ज माफ करे, बिजली के बिल माफ करे। किसानों के लिए बिजली पूर्ण रूप से फ्री होनी चाहिए। किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर सरकार उनके द्वारा की गई मांगों पर विचार नहीं करती तो आने वाले चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज के राष्ट्रीय नेटवर्क के आह्वान पर किसान समस्याओं को लेकर आज पूरे भारत में सभी तहसीलों पर धरना प्रदर्शन किया गया। उसी क्रम में आज हमारा ये यहाँ प्रोग्राम हुआ और इसमें हमारा ये था कि जिस तरीके से डीजल के और पेट्रोल के रेट बढ़ाए गए, उसी तरीके से किसानों की फसलों के रेट भी बढ़ाए जाएं। आज किसान पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुका है। किसान की खेती करने के लिए डीजल इतना महंगा कर दिया कि वो खेती डीजल से नहीं कर सकता। ज्ञापन दिया गया, उनकी मुख्य रूप से ये मांग है कि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं वो एक खेती हर रोग है और इस तरीके से कहीं ना कहीं उनकी खेती को प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ साथ उनकी कुछ और मांगे भी हैं, जिसका उनका कहना है कि हमारे कुछ जो ऋण है वो माफ़ कर दिए जाए या फिर जो बकाया है, जो इनकी गन्ने की पर्ची है उसका बकाया जल्द से जल्द। मैम कहीं ना ये एक तो तेल के भाव दिनों दिन बढ़ाते जा रहे हैं, कोई सुनने वाला ही नहीं रहा। आज डीजल जिनकी में पहली बार जो हमारे सभी बड़े लोग हो आज ये इतिहास बना दिया सरकार ने। अब डीजल महंगा होगा, पेट्रोल महंगा होगा, ऐसा हो गया कहीं किसान के लिए तो डीजल ही था ना, अब वो किसान कैसे यूज करेगा। आज धान की हुआ चल रही, रोपाई सब चीज़ चल रही, फसलों में बरसात कम हो रही, ट्यूबवेल चल रही, तो ये डीजल कहाँ से लगा होगा। भाव हमारा बढ़ता नहीं, पेमेंट हमारा हो नहीं रहा, तो इन चीज़ों से दुखी होकर ऐसे टाइम में भी हमें आज आंदोलन करना पड़ा। हर तहसील पर, हर मुख्यालय पर ये प्रोग्राम आज मेन उद्देश्य ये डीजल का हिसाब और पेट्रोल का ये कैसे बढ़ाए दिए इतने भाव, बाकी गन्ने का भुगतान हमारा। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें, बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक न्यूज उत्तराखंड। नमस्कार।